Hey guys, welcome to GTA Online gameplay. In today's video, I'm going to show you how to earn $10 million in GTA Online easily as a beginner. There are many ways you can earn money in GTA Online, but these are by far the easiest shown and without any risk involved. After a lot of grinding in GTA Online, I have compiled this video for players like me. By playing for 1 to 2 hours, they can easily skip the hard grind and reap the rewards. Not only you will get GTA cash, but also lot of reputation points to progress your rank faster, which will unlock many weapon and vehicle upgrades essential for you early in the game. Guys, without further delay, let's dive in. But before that, don't forget to like this video and subscribe my channel. Guys, check out more content in GTA Online Shorts playlist in my channel. We'll share the link in the description for the same. First, do the Rockstar created missions. तो पहले हम जाएंगे jobs में. Jobs में जाकर के हम फिर जाएंगे play jobs में. Then Rockstar created में. फिर missions में. और फिर हम कोई भी mission select कर सकते हैं. लेकिन हमारा weekly offer अभी चल रहा है 4x RP और 2x dollars का. तो हमने उसी में से एक मिशन सेलेक्ट कर लिया है और अब इस मिशन में हमको एयरपोर्ट में जाना है. ये सिमियन रेपो जॉब का मिशन है. इसमें हमें एयरपोर्ट में जाना है और दो गाड़ियों को चुराना है जो कि बहुत ही सुपर कार्स हैं. उनको जाकर के हमको चुरा के लाना है फटाफट. तो हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट में. यहाँ पर काफ़ी पुलिस है, उनसे हमको बचा करके लेकर के आनी है ये गाड़ियाँ और सिमियन को डिलीवर करनी है उसके प्रीमियम डीलरशिप पर. जो शॉप है उसकी वहाँ पे जाकर के उसे डिलीवरी करनी है हमें. तो हमने पहली गाड़ी ले ली है और हम बच बचा के पहुँच गए हैं यहाँ पर. कैसे भी एक गाड़ी तो हमने डिलीवर कर दी है, अब हम दूसरी गाड़ी डिलीवर करते हैं. दूसरी गाड़ी भी ले ली है हमने. काफ़ी आसान मिशन है ये, 15 से 20 मिनट का मिशन है ये सिर्फ, और ये काफ़ी अच्छा अमाउंट देता है. गाइज, आप हमेशा देखिए कि जब भी आपको रॉकस्टार ऑफ़र दे रहा है, इन मिशंस पे हमेशा ऑफ़र रहता है, तो वो मौका मत छोड़िए. उसी टाइम पे ये मिशंस कीजिए. हमारा मिशन पास हो गया है और हमको $32,000 मिले हैं और अराउंड 11,000 आरपी मिल गई है. तो ये तो हमारे लिए बोनस हो गया है बिल्कुल. अब एक और मिशन करते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक और मिशन. तो ये भी रेपो जॉब मिशन है हमारा. ये देखो, ये सब रेपो जॉब मिशंस पे 4x आरपी और 2x डॉलर्स हैं अभी इस टाइम पे. तो हमने ये मिशन चूज़ कर लिया है और इस मिशन में बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, एक आरवी को चुरा के लाना है, स्टील करना है. एक लोकेशन पे हमें जाना है, वहाँ पे कुछ बंदों को मारना वारना है और ये ब्रिकेड हमको चुरा लेनी है और फिर इसको डिलीवर करना है हमको सिमियन की प्रीमियम डीलरशिप पे. वहाँ पे हमें इसकी डिलीवरी करनी है. तो हम पहुँच गए हैं प्रीमियम डीलरशिप पे. हम अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं. गाड़ी पार्क कर दी हमने. काफ़ी आसान मिशन है ये और काफ़ी अच्छा पैसा देते हैं ये मिशंस. हमारा मिशन पास हो गया है और 41,580 14,000 आर पी, दैट इज़ ह्यूज गाइस, दैट इज़ ह्यूज. अब हमारा सेकंड जो हमारा चैलेंज है वो है बेसिकली डेली चैलेंज कंप्लीट करने का. इसको कंप्लीट करने से भी हमको काफ़ी पैसा और आर पी मिलती है. अब मेरा पहला चैलेंज है, इसमें मुझे 10 कार स्टील करनी है. वो मेरा पूरा हो गया है. वो तो आसान चैलेंज है, फटाफट कर दिया हमने. और काफ़ी आसान आसान मिशंस होते हैं इसमें, काफ़ी आसान मिशंस होते हैं जो कि आप आसानी से इजीली कंप्लीट कर सकते हो. तो हमारा सेकंड मिशन है इसका, जो सेकंड चैलेंज है वो है कि हमें एलएस कार मीट में जाना है बस, और वहां जाकर के हमें पार्ट लेना है इनके इवेंट में. तो हम पहुंच गए हैं. क्या धांसू धांसू गाड़ियाँ हैं यार यहाँ पर, एक से एक बढ़िया गाड़ी. बस हमारा चैलेंज कम्प्लीट हो गया है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ. नेक्स्ट चैलेंज है हमारा कि हमें
कोई कांटेक्ट मिशन करना है। अब हमारा कांटेक्ट सिमियन है तो हम उसी का मिशन कर लेते हैं। ये रॉकफोर्ट रोल मिशन है, इसमें हमें एक गाड़ी को चुरा के लाना है होटल से। हम पहुंच गए हैं होटल में और हमने फटाफट ये गाड़ी चुरा लेनी है। तो ये गाड़ी हमने चुरा ली है और काफ़ी आसान मिशन है ये। हम पहुंच गए हैं अपनी सिमियन के पास, हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और हमारा मिशन ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हमारा मिशन पास हो गया है। तो ये डेली चैलेंज कंप्लीट करने के हमको मिले हैं $30,000 एंड 5,000 RP, विच इज़ अ लॉट फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव स्पेंड। नाउ नेक्स्ट इज़ अवर स्टैश हाउस, जो कि डेली रैंडम स्पॉन होते हैं और ये काफ़ी आसान है करने। विद इन 5 to 10 मिनट्स ये कंप्लीट हो जाते हैं, काफ़ी इजी है। हमको बेसमेंट में जाना है और वहाँ जा कर के कुछ बंदे हैं, हमें उन्हें उड़ाना है और हमें सेफ ओपन करना है जिसकी की यहीं होती है। ये बंदे को उड़ा देते हैं हम फटाफट। ये रह गए हैं, चलो हो गया इनका काम तमाम। अब हम ओपन कर लेते हैं सेफ को, इसके कंटेंट को हम चुरा लेते हैं और चुराने के बाद अब हमें यहाँ से फाइनली एग्जिट करना है और एरिया को लीव करना है, तभी हमें ये अमाउंट मिलेगा। तो हम अपना जो व्हीकल है वो लाएंगे तो बेटर है, क्योंकि ये गायब हो जाता है व्हीकल जैसे ही हम अंदर बेसमेंट में जाके बाहर आते हैं, तो ये व्हीकल गायब होता है। लेकिन अगर आपका अपना व्हीकल है तो ये गायब नहीं होता, आप आसानी से एरिया को लीव कर सकते हैं, वरना मुश्किल हो सकती है। तो स्टैश हाउस हैज़ बीन सक्सेसफुली रेडेड, कंप्लीट हो गया है हमारा और हमको $31,000 मिल गए हैं। काफ़ी आसान है ये, डेली स्पॉन होता है, 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। और सेकेंड है हमारा चीज़ कैशे, ये कैशे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट विल रिप्लेनिश योर एमओ, योर स्नैक्स एंड गिव यू कैश, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमें एक डेजिग्नेटेड एरिया में जाना है, वहाँ पे हमको ये कैश को ढूंढना है। बेसिकली एक बॉक्स है जिसे हमें ढूंढना है और कई बार तो ये बहुत आसानी से मिल जाता है, कई कई बार थोड़ा टाइम ले लेता है, लेकिन मोस्टली ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके एमओ को रिप्लेनिश करने का। ये हमको सामने ही मिल गया है, ये देखिए, विद इन 1 to 2 मिनट्स, डिपेंड्स, हार्डली 15 मिनट्स मैक्सिमम। तो ये 3-in-1 कैश ने मुझे दिए हैं $15,000, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है। अब नेक्स्ट है हमारा सिमियन रिपो जॉब। सिमियन बेसिकली हमें गाड़ियों की लिस्ट देता है जो कि उसे स्टील करा के एक्सपोर्ट करनी होती है, और वो गाड़ी हमें स्टील करके उसको डिलीवर करनी होती है। तो हमने ये गाड़ी को स्टील कर लिया है, अब हम पुलिस को इवेट करेंगे। इवेट करने के बाद हम जाएंगे लॉस सेंटोस कस्टम्स में, लॉस सेंटोस कस्टम्स में जा कर के हम इसका प्राइमरी कलर चेंज कर देंगे ताकि कॉप्स हमें आइडेंटिफाई ना कर सकें, और इसे हम डॉक्स में सिमियन को डिलीवर करेंगे। तो ये करने के बाद हमें वो पैसे दे देता है, काफ़ी अच्छा अमाउंट देता है ये। तो अब हम लॉस सेंटोस कस्टम्स में पहुंच गए हैं, यहाँ हम अपनी गाड़ी को रिपेयर करेंगे और रीस्प्रे कर देंगे, और उसके बाद हम इसे डिलीवर करेंगे डॉक्स में सिमियन को, ताकि वो हमें फटाफट से पैसे दे दे जिसके लिए हम उसे यहाँ पे डिलीवर करना चाहते हैं। मेटालिक पेंट चूज़ कर लिया हमने, कोई भी पेंट चूज़ कर सकते हैं आप प्राइमरी कलर में। चलो आवर वर्क इज़ डन हियर, अब हम डॉक्स में चले गए हैं। डॉक्स में हमने डिलीवर कर दिया है सिमियन को, डिलीवर कर रहे हैं अब हम सिमियन को। ये शटर खुल गया है, हमने डिलीवर कर दिया। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी मिशन है ये, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और $20,000 हमको मिल गए हैं इस मिशन को कंप्लीट करने पर। नेक्स्ट है हमारे पास लकी व्हील स्पिन, वी कैन गेट ए वैरायटी ऑफ आइटम्स फ्रॉम हियर। तो हम आरपी मिल सकती है, व्हीकल मिल सकता है, क्लोथिंग मिल सकती है, मिस्ट्री आइटम्स मिल सकते हैं, कैश मिल सकता है और चिप्स मिल सकते हैं जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हमने पहला व्हील स्पिन कर दिया है और इसमें हमको मिला है आरपी, आरपी मिल गई है हमें, 10,000 RP मिल गई है हमें इसमें, जिसने हमारा रैंक को बहुत ही फास्टली पूरा रैंक प्रोग्रेस कर दिया है हमारा।
अब एक और बार व्हील स्पिन करते हैं और देखते हैं इस बारी हमारा क्या आता है। ट्वेंटी थाउजेंड चिप्स आ गए हैं हमारे पास। ये चिप्स हम बाद में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो 20,000 कैश आ गए हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको बस जाके डेली व्हील स्पिन करना है डायमंड कैसीनो में। नेक्स्ट है ये मैप ब्लिप्स, जो कि स्पॉन होते हैं आपके नियर बाय लोकेशंस पे। ऐसी ही एक स्पॉन लोकेशन है जिसमें ये बर्गलर है जिसे हमें पकड़ना है, और पकड़ के इससे हमें जो कैश इसने स्टील किया है वो वापस शॉप ओनर को देना है ताकि वो हमें रिवॉर्ड दे सके। तो ये तो भागता ही जा रहा है, लगता है हमें इसे गाड़ी से ही रैम करना पड़ेगा। और ये हमने कर दिया इसका काम तमाम। अब हम फटाफट ले लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम स्पैन रहता है। अच्छा, हमें वेपन मिल गया है अभी। हम बैग, ये रहा बैग, ले लेते हैं हम इससे, रिकवर द कैश। ओके ना, अब हमारे पास 2 मिनट हैं, हमने अपना टाइम स्पैन शुरू हो गया है। अब इस टाइम स्पैन के अंदर हमको इस कैश को डिलीवर करना है, शॉप ओनर को देना है वो कैश ताकि वो हमें रिवॉर्ड दे सके। और ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है रिवॉर्ड के लिए, गिवन द फैक्ट कि आप कितना टाइम इसमें स्पेंड कर रहे हैं और कितना हार्ड ये इवेंट है। इस इवेंट को कंप्लीट करने पर हमको मिलते हैं $20,000 और 2500 आरपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस छोटे से इवेंट के लिए। तो चलो चल के रिटर्न कर देते हैं। ये देखिए गाइस, 20,000 आरपी एंड 2500, 20,000 कैश एंड 2500 आरपी, विच इज़ अ लॉट। एक और रैंडम मैप ब्लिप इवेंट है। इस इवेंट में हमको ये यहाँ पे जो बंदे खड़े हुए हैं, हमें उनसे ये गाड़ी लेकर के इसको एक डिज़ायर्ड लोकेशन पे डिलीवर करना है, और हमको काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलेगा। बेसिकली इस गाड़ी में ड्रग पैकेज है, हमको इस ड्रग पैकेज को डिलीवर करना है। हमने यहाँ पे जो बंदे हैं उनका काम तमाम कर दिया है। अब फटाफट से हम ये गाड़ी ले लेते हैं। ये देखो, इसमें एक पैकेज है, हमको एक मैसेज आ गया है कि ये किसका पैकेज है। हमें उस बंदे को ये पैकेज डिलीवर करना है। पुलिस भी हमारे पीछे पड़ गई है, हमें इसे इवेट करना है। इवेट करने के बाद ही हम इसे डिलीवर करेंगे। तो हमने पुलिस को इवेट कर दिया है और अब हम ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहां हमें डिलीवर करना है। तो गाइस, इन इवेंट्स पे अपनी नज़र रखिए, और जब भी ये स्पॉन होते हैं तो इन्हें मिस मत कीजिए, बिकॉज इनका जो पे आउट है वो काफ़ी अच्छा है। आपको 20,000 टू $25,000 मिलेंगे, और बहुत ही मिनिमम आपको इसमें अपना हार्डवर्क करना है। तो हमने ये डिलीवर कर दिया है यहाँ पर, जो इसकी डिज़ायर्ड लोकेशन है, और हमको मिले हैं $25,000 ड्रग पैकेज को सक्सेसफुली डिलीवर करने के। और बेसिकली देखा जाए तो हमने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही आसान है ये। ऐसे ही 2-3 इवेंट्स और हैं जो कि डिलीवर होते हैं और उनमें पे आउट काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट इज़ फ्री मोड चैलेंजेस। ये इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, बिकॉज यू कैन कम्पीट विद ऑल द अदर ऑनलाइन प्लेयर्स, और ये काफ़ी अच्छा अमाउंट भी देते हैं आपको। तो जैसे कि इस चैलेंज में वी हैव टू डू रिवर्स ड्राइविंग फॉर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विदाउट टचिंग एनी कार और विदाउट कोलाइडिंग विद एनी कार। तो अभी हमारी कार तो टच हो गई है, अब हमें दोबारा से इसे शुरू करना पड़ेगा। और गाइज, रॉकस्टार इसमें भी आपको ऑफर्स देता है 4x आरपी, 2x डॉलर्स और 2x आरपी, 2x डॉलर्स। तो गाइज, लुक आउट फॉर दीज फ्री मोड चैलेंजेस ऑल्सो, बिकॉज यू कैन अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ GTA डॉलर्स इन इट ऑल्सो। सो अभी हमारे चैलेंज में हम काफ़ी ज़्यादा रिवर्स ड्राइव कर चुके हैं, 361 मीटर्स हम लोगों ने रिवर्स ड्राइव कर दिया है। और भाई, हमने तो 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर हम लोगों ने रिवर्स चल दिया है इसमें ऑलरेडी, और हमारा ये टाइम इवेंट का ख़त्म होने वाला है, काफ़ी कम टाइम रह गया है हमारा।
और ये इवेंट का टाइम ख़त्म हो गया है और हमको मिले अराउंड $15,000। गाइस, एक छोटे से इवेंट के लिए इतना अमाउंट बहुत ही अच्छा पैकेज है, ये बहुत ही अच्छा पैकेज है। एक और चैलेंज है, इसमें हमको नियर मिस करना है, गाड़ियों को टच नहीं करना है, उनके पास से निकालना है। नियर मिस चैलेंज है ये। और हमारे पास है मॉन्स्टर ट्रक। गाइस, मॉन्स्टर ट्रक भी ले सकते हैं आप GTA ऑनलाइन के अंदर, लेकिन इसे पार्क करना थोड़ा मुश्किल है। आप नॉर्मल गैराज में पार्क नहीं कर सकते, इसको पार्क करने के लिए आपको हैंगर को लेना पड़ता है। और हमारी गाड़ी यहाँ पे टच हो गई है, तो हमको ये दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अरे अरे यार, ये तो कहीं से भी चढ़ जाता है यार। अरे भाई, गजब ही है ये मॉन्स्टर ट्रक। अब हमको दोबारा से ये चैलेंज शुरू करना पड़ेगा। अभी हमारा स्कोर 8 है, हम अभी नंबर 1 पोजीशन पे हैं। ये देखिए, तो हम ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं, हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है इस मिशन का। गाइस, ये मिशन बहुत ही आसान है, 10 to 15 मिनट्स के मिशन होते हैं ये। प्लस यू विल कम्पीट विद ऑल द अदर GTA ऑनलाइन प्लेयर्स जो कि ऑनलाइन है उस टाइम पे जब आप ऑनलाइन हैं। तो देखिए, हमने नियर मिस चैलेंज को जीत लिया है 45 के स्कोर से, और हमको मिल गए हैं अराउंड $8,400। वो काफ़ी अच्छा अमाउंट है, ये काफ़ी सही है। ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं और ऐसे ही कुछ फ्री मोड इवेंट्स हैं जो कि हमेशा GTA ऑनलाइन के अंदर होते रहते हैं। ऐसे ही कुछ बिजनेस बैटल इवेंट्स हैं जो कि आपको पूरे करने पर काफ़ी अच्छा अमाउंट मिलता है, $20,000 to $25,000 मिलते हैं। ये काफ़ी टाइप के इवेंट्स होते हैं, इनमें हमको व्हीकल की डिलीवरी करनी होती है, कुछ कार्गोज होते हैं उनकी डिलीवरी करनी होती है, कुछ इवेंट्स हैं जिनमें हमें कुछ क्लब्स के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें डिस्ट्रॉय करना होता है। तो बेसिकली इसमें हमें, इस बिजनेस बैटल में हमें कुछ प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो हम उसी लोकेशन पे आ गए हैं, यहाँ तो ऑलरेडी कुछ तगड़ी फाइट चल रही है, अब हम भी आ गए हैं यहाँ पर, हमें भी सबको मार मूर करके अपना प्रोडक्ट लेना है यहाँ से। ये कर दिया हमने, यहाँ पे सबका काम तमाम कर दिया हमने भाई। चलो, ये है टफल बैग जो हमने ले लिए हैं, अब हम इन्हें डिलीवर करना है ड्रॉप ऑफ पे। ओके, तो चलो फटाफट डिलीवर करते हैं इन्हें। ये पहुंच गए हैं हम, दो बैग थे, हमने एक को डिलीवर कर दिया है, दूसरा भी ले आए हम, दूसरा भी डिलीवर कर दिया हमने। तो हमको गाइस 2x2 प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे करते हैं ये चैलेंजेस अगर आप सारे गुड्स डिलीवर कर सकते हैं तो। अगर आप सारे गुड्स डिलीवर नहीं कर सकते तो कुछ पार्ट पेमेंट ही आपको करेगा। यहाँ पे मुझे 20 to 25,000 पे हो गया है। नेक्स्ट है हमारा टैक्सी वर्क, जो कि बहुत ही सिंपल है और रिलैक्सिंग वर्क है ये। हमको एज ए टैक्सी ड्राइवर लोगों को, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, और वो हमें कैब फेयर और टिप्स के रूप में पैसे देंगे। तो हम कितने भी ट्रिप्स कर सकते हैं, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रिप्स जो उसका कैब फेयर है वो मैक्सिमम हो जाता है और टिप्स भी मैक्सिमम हो जाती हैं। तो वही वो ड्यूरेशन है जहां हम सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। रिसेंटली इसमें हमें अर्न करने के लिए $4x की अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो कि रॉकस्टार ने हमें दी थी। तो इसी में देखो, हमारा टिप है यहाँ पर $4,000, जो कि 4 times है नॉर्मल टिप के, और हमने पहले ट्रिप में कमाया है $4,000, $4,250। देखिए, अब हम एक और कस्टमर को पिक करते हैं और देखते हैं हमें कितने डॉलर्स मिलते हैं उसमें। ये कस्टमर को हमने पिक कर लिया है यहाँ पर। काफ़ी रिलैक्सिंग वर्क है ये, इसमें आपको किसी से टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन अदर प्लेयर से आपको थोड़ा बच के रहना पड़ता है, वो आपको कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं।
हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। हमको जो हमने सेकंड फेयर कंप्लीट किया है उसमें हमको $4,500 मिले हैं, और अब हमारा ये टेंथ फेयर है। तो आपको पता लग जाएगा कि टेंथ फेयर को कंप्लीट करने पर कितने पैसे मिलेंगे मुझे। ये देखिए, ये हमें डिस्टर्ब करने आ गया। हम यहाँ पे अपना टैक्सी वर्क कर रहे हैं और ये बंदे आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। थैंक्स। तो गाइज, हमने टेंथ फेयर्स कंप्लीट कर दिए और हमारे हमको मिले $7,600 मिले हैं, और टोटल हमारा हो गया है 56,000, क्योंकि अभी इस वीक में 4x ऑफर चल रहा था। तो गाइज, ये बहुत ही ईजी और इफ़ेक्टिव वे है। गाइज, कंप्लीटिंग ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन टोटल विल गिव यू अराउंड 200,000 इन ए सिंगल पे थ्रू डेली। और ये सब एक्टिविटीज़ आप सोलो और एज ए बिगिनर कर सकते हैं। Guys, main thing is to look out for Rockstar offers every week. Completing these offers will reward you greatly. Guys, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब द नाइल्स कुम। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट ऑन GTA Online. द नाइल्स कुम, साइन इन ऑफ।